मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज पर्यावरण की कक्षा में आज जो हमारे टीईटी, एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, सुपर टेट और रीट के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये उपयोगी होने वाला है आज का लेक्चर। तो जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। क्या कुछ खास, पहले देख लेते हैं हमारी पृथ्वी पर जीव जंतु। आप सभी जानते हैं कि बहुत विशाल भंडार है। मानव जीवन के प्रारंभिक दौर से आज तक जो जंतुओं की उपयोगिता बनी हुई है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ऊन मिलता है भेड़ों से, दूध गाय से मिलता है, मांस के लिए कुछ चीज़ें पाली जाती हैं, मुर्गी से अंडे मिलते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे मानव जीवन के प्रारंभिक दौर से आज तक जंतुओं की उपयोगिता बनी हुई है। बच्चा किसी प्रकार के परिवार या समाज से संबंधित हो, लेकिन वह जंतुओं से घिरा रहता है और यह जीवों के बीच रहकर ही बड़ा होता है। प्रमुख पशु देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैंडा की। एक गैंडा है, एक सींग वाला हाथी, इसे बोलते हैं काजीरंगा अभयारण्य में ये ज़्यादातर पाया जाता है। यह गैंडा स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है और ये शाकाहारी होता है। मेन चीज़ होती है ये शाकाहारी होता है और ये एक या दो सींग वाला जंतु है। इसका सींग नाक के जस्ट ऊपर होता है। ये सींग ना होकर बालों का गुच्छा होता है जो काफ़ी कठोर होता है, इसलिए सींग के रूप में ये माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रमुख पालतू पशु, कुत्ता एक विशेष पालतू पशु है जो घरों में मनुष्य के आसपास रहता है और विशेष तौर से पाला जाता है। आप सभी जानते हैं कुत्ता पशु जो है वो बहुत वफादार है, इसे घर की रखवाली और सुरक्षा के लिए पाला जाता है। कुत्तों की कई सारी प्रजातियाँ होती हैं जिनमें लेबराडोर, डॉवरमैन, बुलडॉग ये प्रमुख हैं, जो कि छोटी ऊंचाई वाले प्रजाति का है। रॉड बेल तथा पग ये सजावटी तौर पे रखे जाते हैं। अगला है घोड़े। अब देखते हैं, घोड़े को मनुष्य का मित्र कहते हैं। मध्यकाल तक घोड़ा ही परिवहन का साधन हुआ करता था, अर्थात राजा महाराजा जो भी हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सैनिक वगैरह इसी घोड़े का यूज किया करते थे। युद्धों में इसका प्रयोग ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हमें आज भी मिलता है। जब युद्ध इसकी पीठ पर चढ़कर दुश्मनों का मुकाबला करते थे तो अलग ही दृश्य होता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का आपने नाम जरूर सुना होगा, ये ऐतिहासिक पात्र भी है और ये बहुत रूप में जाना जाता है। तांगे में भी इसका उपयोग किया जाता था घोड़े का, घोड़े गाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता था। घोड़े का उपयोग सामान ढुलाई के लिए भी किया जाता है और सवारी के लिए भी किया जाता है। देखिए एक घोड़ा, ओके। आप देखते हैं जिराफ, जिराफ की बात करते हैं। जिराफ पृथ्वी का सबसे ऊंचा और शाकाहारी जंतु है। इसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। मुख्यतः अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला जानवर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गीदड़, ये शर्वपक्षी माना जाता है। गीदड़ शर्वपक्षी है। इसका रंग भूरा होता है यानी ग्रे कलर का होता है। गीदड़ झुंड अर्थात ग्रुप में रहने वाला होता है और झाड़ियों में छिपकर ये शिकार भी करता है। लोमड़ी मांद में रहती है, यह मांद बनाने का काम नहीं करती, यानी लोमड़ी मांद नहीं बनाती। मांद मतलब गुफा यानी केव, जबकि अन्य पशुओं के द्वारा बनाई गई मांद या गुफा का ये प्रयोग करते हैं और यह जीव को धूर्तता का प्रतीक माना जाता है। यह विश्व में लोमड़ी की 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन आ जाए कितनी प्रजातियाँ, तो 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं पूरे विश्व में। लोमड़ी की 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लोमड़ी के बच्चे अंधे जन्म लेते हैं। ध्यान देखा, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लोमड़ी के बच्चे किस जानवर के बच्चे अंधे पैदा होते हैं, तो लोमड़ी के बच्चे जन्म लेते हैं तो वे अंधे होते हैं, बाद में उनकी आँखों की रोशनी आती है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी जगह ये पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि किस जगह ये लोमड़ियाँ नहीं पाई, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाती, बाकी सब जगह पाई जाती हैं। अब देखिए भेड़िया या कुत्ते की प्रजाति भेड़िया जो होता है कुत्ते से ही ये कुत्ते की प्रजाति से संबंधित है। यह घास के मैदान में मांद अथवा गुफा या झाड़ियों में रहता है। भेड़िया के लिए रात में निकल भेड़िया जो है ज़्यादातर रात में निकलता है और भेड़िया आदमखोर होता है। ठीक है ना, इसकी आदमखोर होने की प्रवृत्ति सामने आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खतरा छोटे से शिशु पर बना रहता था। ये क्या होता है, मनुष्य के छोटे बच्चों को भी उठाकर ले जाता है, ये भेड़िया है। ठीक है, अब है चिंपैंजी। चिंपैंजी ये सबसे होशियार जानवर है और ये समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। चिंपैंजी सबसे होशियार माना जाता है इसको। इसके समूह में लगभग 3 से लेकर 80 सदस्य तक हो सकते हैं चिंपैंजी के। पशु पक्षियों को पालतू बनाने के पीछे आर्थिक कारण अधिक प्रबल है। मनुष्य पशुओं से अधिक अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है और यह उनके कार्यों को आसान कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खच्चर, म्यूल। खच्चर जो होता है एक गधा और घोड़े की मिश्रित प्रजाति है।
पहाड़ी क्षेत्रों में इसका प्रयोग खूब होता है क्योंकि यह वजन ढोने के काम में आता है, वजन को उठाता है। अच्छा, इसके बाद खच्चर मुख्यतः उजली, काले और भूरे रंग में पाए जाते हैं। चीन, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिकी देशों में बड़ी संख्या में खच्चर पाए जाते हैं। ये ऐसे कठिन रास्तों में भोजन सामग्री पहुंचाने के काम में, यानी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, कठिन जो चढ़ाई वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भोजन पहुँचाने के काम या कोई सामग्री पहुँचाने के काम में खच्चरों का ही प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए ऊँट, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवहन के लिए ऊँट का प्रयोग किया जाता है। ये 7 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है ना। एक ऊँट की जीवन प्रत्याशा यानी 40 से 50 वर्ष, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कितनी वर्ष तक, 40 से 50 वर्ष तक ये जीवन प्रत्याशा है, यानी इसके जो जीवन काल 40 से 50 वर्ष है। इसकी चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये लंबी यात्रा के दौरान अपनी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखता है, एक खासियत है इसकी। परिवहन के अलावा इसका प्रयोग मांस और दूध के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेबला। देखिए नेबला, भारत में नेबला सब जगह पाया जाता है। यह एक साहसी जीव है, नेबला एक साहसी जीव है, लेकिन इसकी प्रकृति खूंखार होती है। सांप और नेबली की शत्रुता तो आप सभी जानते ही हैं। नेबली के शरीर में सुगंध निकलती है जिसकी समानता कस्तूरी के समान होती है। यह नेबला अब प्रमुख पशु, देखते हैं बाघ। ये जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनपाई पशु है। यह जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनपाई पशु है और इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया है। इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है और मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना दूर तक देख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से बनेगा। यह मनुष्य से 2 गुनी दूरी तक देख सकता है, ये रात में भी देख सकता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि रात में भी देख सकता है और मनुष्य से 2 गुनी दूरी तक देख सकता है। इंडिया का ये राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। ये हाथी सबसे बड़ा पृथ्वी का पृथ्वी का जीव। बिल्ली भी एक पालतू पशु है जिसे लोग शौक से पालते हैं। बिल्ली में सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये कम रोशनी में भी आसानी से देख पाती हैं। बिल्लियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा पालने वाला पशु है और बिल्लियों का मजबूत और लचीला शरीर उन्हें तेज क्रिया करने में और शिकार करने में मदद करता है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा पार्ड्स है। एशिया और अफ्रीका में तेंदुए बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसके शिकार करने पर पाबंदी है। अच्छा, और ये इसे शिकार करने की जो शक्ति है बहुत ही गजब की होती है। मालवाहक पशु, देखिए बैल एक पालतू पशु है जिसका उपयोग मालवाहक पशु के रूप में और कृषि में हल चलाने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। बैलों को जोड़े में बैलगाड़ी के साथ लगाकर परिवहन यानी एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता है। बिहार में बैल को राजकीय पशु घोषित किया गया। क्वेश्चन है, बैल को राजकीय पशु घोषित किया गया, इसका उद्देश्य बैलों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना। ये राजकीय पशु घोषित किया गया है बिहार का, ये बैल है। कबूतर, ये संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला पक्षी है, सभी जगह पाया जाता है। कबूतर मनुष्य के संपर्क में रहना पसंद करता है। अनाज, मेवे और दालें इनका प्रमुख भोजन है। ये पालतू पक्षी और भारत में सफ़ेद और स्लेटी रंग के कबूतर बहुत संख्या में मिलते हैं। पहले के समय में इनसे संदेश भेजने का काम भी किया जाता था, एक संदेश वाहक का काम भी करते थे। अब गौरैया, विश्व में ज़्यादातर देशों में या नगरों और गांव में बस्तियों में ये पाई जाती है। इसको हाउस स्पैरो भी कहते हैं और इसकी 6 प्रजातियां होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से, 6 प्रजाति होती हैं, ठीक है, ये ठीक है ना। और इसमें हाउस स्पैरो आम बोलचाल में इसको कहते हैं गौरैया। भारत में बिहार और दिल्ली में गौरैया संरक्षण को महत्व दिया गया है और अपना राजकीय पक्षी भी इसे स्टेट बर्ड घोषित किया गया। दिल्ली का स्टेट बर्ड है ये और बिहार का भी है, ठीक है। बतख, ये जल का पक्षी है और यह एनारीडे प्रजाति का पक्षी है। बतख का निवास छोटे तालाबों में और शुद्ध जल के स्रोतों में होता है और ये अपने घरों के पास में जल स्रोतों में पालतू बनाकर भी कुछ लोग रख लेते हैं। भारत में बतखों की 4 प्रजाति पाई जाती हैं। बतख उजले, भूले और हरे रंग की होती है। अब है गोडा वन, ये ग्रेट बस्टर्ड इंडियन उड़ने वाले पक्षियों में सबसे
अधिक वजनी माना जाता है। ये कुछ कुछ शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई देता है, देखिए शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई देता है कुछ कुछ। और यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसका अन्य नाम सोन चिड़िया है या हुकना है, लेकिन अफसोस की बात है ये लगभग पूरी तरह से, लगभग कह रहा हूँ मैं, शायद हो एक आध बचा हो, लेकिन पूरी तरह से विलुप्त ही हो गया है। सोन चिड़िया या सोन चिड़िया ही बोलते थे इन लोकल भाषा, सोन चिड़िया भी बोलते थे। मुर्गी प्रसिद्ध पालतू पशु है और ये नर पक्षी प्रजाति है, जबकि नर कॉक यानी मुर्गा नर पक्षी होता है, मुर्गी नर मादा पक्षी होती है। मुर्गे से मांस और मुर्गी से अंडे प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है, भारत में विश्व का सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है, ये ध्यान करने वाली बात है। मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा विश्व प्रसिद्ध है, जिसे वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। देखिए इस टाइप में नीलकंठ, इसे इंडियन रॉबर वर्ल्ड कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कोरेशियस बेंगालेशियंस है। इसका मूल निवास स्थान भारत है। नीलकंठ को एक पवित्र पक्षी माना जाता है। यह दशहरा के दिन उनके दर्शन को शुभ माना जाता है, ठीक है ना। और गिद्ध, ये शिकारी पक्षियों के अंतर्गत आने वाले होते हैं और ये क्या होते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं और अपनी तेज़ दृष्टि के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी ऊंचाई तक भी उड़ते हैं। ये गिद्ध है, सबसे ऊंची साख पर एक वो भी बनाता है अपना घोंसला। मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पक्षी है और यह ज़्यादातर खुले वनों में पाया जाता है। यह सुंदर पक्षी है, बरसात आने पर यह बहुत ही सुंदर डांस यानी आकर्षक नृत्य करता है। भारत और श्रीलंका इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, भारत का और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मुनिया, ये छोटे आकार का पक्षी है जो झुंडों में रहता है। खेतों की भूमि पर बीज गिर जाते हैं तो इसे खाता है। ये 5 से 10 फीट की ऊंचाई पर छोटी छोटी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। अब देखते हैं क्या शाही, इसे शाही बोलते हैं और शरीर में बड़े बड़े इसके कांटे होते हैं। किसी अन्य जीव के हमलों के दौरान शाही अपने कांटों को एक क्या कहता है खड़ा कर लेता है। शाही नदियों अथवा तालाबों के किनारे मांद बनाकर रहता है। पूरी तरह शाकाहारी जीव है, लेकिन कांटे बहुत खतरनाक होते हैं, शरीर पर कांटे होते हैं इसके। प्रमुख पक्षियों की बात करें तो कौआ शाकाहारी पक्षियों में कार्बिडी वर्ग का है। ये कौआ विश्व में सही भागों में पाए जाते हैं, काला रंग ही होता है इनका। कौआ ये सर्वभक्षी होता है, इसे घरेलू पक्षी के रूप में भी घरों में आसपास देखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है ये कौआ है। और चील का मैंने बता ही दिया, यह भूरे रंग की होती है ज़्यादातर और इसकी चोंच काली और टांगें पीली होती हैं। यह सर्वभक्षी पक्षी है तथा अपनी प्यानी और मजबूत दृष्टि के लिए जानी जाती है। आशा उम्मीद करते हैं आज को आपके आज आपको जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।